ऑन वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियो. व्हाट, व्हाई, क्यों? क्या इसलिए कि हमें मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद है, या फिर हम अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए इन वीडियोस को देखते हैं? इफ यू आल्सो थिंक दैट व्हाई डू आई वॉच मोटिवेशनल वीडियो, यदि आप भी ये सोच रहे हैं तो इसका मतलब है आपको इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए. इन सब को जानने से पहले आपको ये जानना होगा आखिर मोटिवेशन क्या है. व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन मींस टू इंक्रीज द डिजायर टू कंप्लीट एनी गोल. मोटिवेशन का मतलब है किसी काम या किसी गोल को पूरा करने की इच्छा को बढ़ा देना. अगर इसको और आसान तरीके से समझना है तो मान लीजिए आपको एक बड़ी कार खरीदनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास उतना पैसा है तो आप उस कार को खरीद लेंगे. लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है और वो कार आपके सपनों की कार है, तो ये बात आपको पता है कि उस कार को खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए जो कि उस वक्त नहीं है. तो यहाँ मोटिवेशन पैसे की इच्छा को बढ़ाने के लिए होगा, यानी मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ना कि कार खरीदने के लिए. बिकॉज मोटिवेशन इंक्रीज द डिजायर टू गेन अवर गोल. तो यहाँ हमारा गोल है कार खरीदना, और मोटिवेशन गोल को पूरा करने की इच्छा को बढ़ा देता है. तो हम अपना गोल कब पूरा करेंगे? जब हमारे पास पैसा होगा. और मोटिवेशन क्या करेगा? मोटिवेशन हमें पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करेगा. तो समझ में आया मोटिवेशन क्या है? अब बात करते हैं मोटिवेशन की जरूरत कब और कहां पड़ती है. टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ एंड अचीव सक्सेस देयर इज ए स्पेशल नीड ऑफ मोटिवेशन. यानी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस को अचीव करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. ये वो पावर है जिसकी वजह से इंसान के अंदर आगे बढ़ने का हौसला बना रहता है. मान लीजिए आपने एक साइकिल खरीदी है और हर सुबह उसे चलाने जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद धीरे धीरे आपका उस साइकिल से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और आप उसको चलाना बंद कर देते हैं. फिर आप अचानक देखते हैं कि आपकी बॉडी का फैट बढ़ रहा है और आप अपनी फिटनेस खो रहे हैं. तभी कुछ लोग आपसे कहते हैं कि आपका पेट निकल रहा है और आपका मोटापा बढ़ रहा है. तब आपको ये समझ आ जाता है और आप ये सोचते हैं कि काश मैंने साइकिल चलाना नहीं छोड़ा होता. और ये बातें आपके माइंड में घूमती रहती हैं और आप वापस से उस साइकिल को निकाल कर दोबारा चलाना शुरू कर देते हैं. तो कहने का मतलब यही है कि मोटिवेशन की जरूरत तब पड़ती है जब हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं. तब मोटिवेशन हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है. अब ये सब सुनकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा, क्या मोटिवेशन जरूरी है? वी आर नॉट सेइंग टू गेट मोटिवेटेड बाई वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियो हियर. मगर ये सीधी सी बात है, जिस तरह आप रोज नहाते हैं, क्योंकि सुबह नहाने के बाद दिन भर की भागदौड़ में आपके शरीर में गंदगी लग जाती है, उसी तरह किसी काम के प्रति मोटिवेशन के बाद धीरे धीरे समय के साथ कामयाबी की उम्मीदें खोने लगती हैं. इसलिए हमें एक बार नहीं बल्कि बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा पूरा फोकस सिर्फ उस चीज पर हो जिसे हम पाना चाहते हैं. When you try only one things with full attention, then you definitely get it. जब आप पूरा ध्यान लगाकर एक चीज के लिए प्रयास करते हैं तो वो आपको अवश्य मिलती है.
ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखकर ही मोटिवेट हो सकते हैं। हम किसी की बात सुनकर भी मोटिवेट हो सकते हैं, हम किसी को देखकर भी मोटिवेट हो सकते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके जीवन में अगर कोई घटना घटती है तो उससे वो मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि मोटिवेशन सही वजह के लिए मिले, बिकॉज इफ यू वॉक ऑन द रॉन्ग वे यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन। सो गेट द राइट मोटिवेशन सो दैट यू कैन अचीव सक्सेस।